ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते हैं और टाइमलाइन मेरी यहाँ पर आते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो ये टाइमलाइन लिखी हुई है यहाँ पे, तो मैंने इस तरीके से कस्टमाइज कर रखा है। कोई म्यूजिक नहीं है बट कुछ तो होना चाहिए ना, हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो हम हल्का सा इसको यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से ये ग्रेजुअली धीरे से स्मूथली बढ़ेगा हमारा, ऐसे नहीं। ये आया, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया और अगले सीन को लेकर आया अगर मैं, जहाँ पे हमारा करेक्टर मास्क पहन रहा है, याद है? What's up guys, welcome to our new video. पिछले वीडियो में हमने किया था जिसमें मैंने करेक्टर और पूरा प्रोजेक्ट आपको सीन सेटअप का बताया था, विद ऑडियो के किस तरीके से मैंने लेयर बाय लेयर कर रखी है और करेक्टर हमारा कैसे लगेगा, उसकी एनिमेशन वगैरह किस तरीके से बनाई है मैंने एक लाइव प्रोजेक्ट में, तो वो मैंने आपको सारा का सारा दिखाया था। होपफुली आप लोगों को वो समझ में आया होगा कुछ ना कुछ उसके अंदर, और अगर नहीं समझ में आया तो भाई चैनल में पूछ भी सकते हो, चीजों का ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है? आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। बाकी आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, अब हमने वहां पे मेन प्रोजेक्ट में तो हमने चीजें बना ली है, जो हमारा जैसे करेक्टर हो गया, साउंड लग गया, चीजें लग गई, बैकग्राउंड लग गया, सारी चीज हमने कर ली है, ठीक है? तो अब हमने उसको एडिट कहाँ पे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फाइनल एक्सपोर्ट तो हमारा वहां से निकला है। अभी तो हमने क्या किया, सीन वन, सीन टू, सीन थ्री शॉट अलग अलग करके हमने अलग अलग एक्सपोर्ट कर दिया सॉफ्टवेयर से। अब हमने उसको कंपोजिट करना है, हमने उसको एडिट करना है, कंपाइल करना है साथ में, तो हमने वो कैसे करना है, तो आज के वीडियो में वो बताऊंगा, जिस जो हमारा प्रीमियर प्रो पे काम होगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में हमारा वो चलेगा। बाकी जो लोग भाई चैनल से जुड़े हुए उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो लोग इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो आज का वीडियो स्टार्ट करता है, सुबह के 6 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने अपना टाइम थोड़ा सा चेंज करा है, ये देखो मॉर्निंग 6 o'clock में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी आंखें थोड़ी सी सूजी सूजी लग सकती है, बट हाँ ठीक है, टाइम निकालना पड़ता है रूटीन के बीच में से। बाकी चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, वेलकम टू आवर चैनल एनिमेट विद वरुण, होपफुली सब भले चंगे ठीक ठाक हो गए, लेट्स कंटिन्यू। ये हमारा प्रीमियर प्रो का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? मैंने न्यू प्रोजेक्ट ले लिया, फिलहाल मैं इसको अनटाइटल्ड ही रहने देता हूँ। डेस्टिनेशन मेरी जो है, आप यहाँ पे जाके डेस्टिनेशन वगैरह इसकी चेंज कर सकते हो। ये मैंने रख दिया, छोड़ दिया, डिफॉल्ट सेटिंग पे मैंने छोड़ दिया क्योंकि प्रोजेक्ट के हिसाब से सेट हुआ हुआ है। अच्छा, तो अब मेरे यहाँ पे क्या सीन है, मैंने यहाँ पे ना मल्टी स्क्रीन लगाई हुई है, पता नहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा मेरे यहाँ पे, ये मेरा लैपटॉप है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, ये मैंने एक और स्क्रीन लगा रखी है, ठीक है? तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते हैं और टाइमलाइन मेरी यहाँ पर आते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये टाइमलाइन लिखी हुई है यहाँ पे, तो मैंने इस तरीके से कस्टमाइज कर रखा है, बट आपको आई थिंक एक ही स्क्रीन दिख रही होगी। कंफर्टेबल हो जाता है दो स्क्रीन पर ना, क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है, अंदर घुस घुस के काम करना पड़ता है, दिक्कत होती है, इस वजह से दो स्क्रीन लगाई हुई है। तो ये मैंने आपके अकॉर्डिंगली सेट कर दिया। अभी इसके अंदर मैंने कोई प्रोजेक्ट वगैरह तो मतलब कोई मैंने फाइल वगैरह तो डाली नहीं इसके अंदर, इसलिए अभी आपको सारा ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है? मैं आपको यहाँ से फाइल डाल के दिखा देता हूँ एक बार, जो हमने वो प्रोजेक्ट नहीं दिखाया था मैंने पिछली बार आपको, सीन वन, सीन टू, सीन थ्री, उसके सारे मैंने एक्सपोर्ट कर दिए थे उसी सॉफ्टवेयर में से, एनिमेट में से। तो अब मैं उसका वो डाल रहा हूँ, मैंने देखो यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट पे ड्रॉप कर दिया, मैं टाइमलाइन में भी ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पर ये ड्रॉप कर दिया, जैसे मैंने टाइमलाइन में ड्रॉप किया ना, तो देखो मेरे पास यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं, एक तो ये पूरा मेरी फाइल आ गई, ये आपका वीडियो होता है ऊपर वाला, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये आपका वीडियो है, नीचे जो वेव फॉर्म बन रही है ये आपकी वो है, क्या नाम है, वॉइस ओवर है, ठीक है? ये इसके अंदर चल रहा है सारा, आपको ये इसका ऑडियो का पीछे वेव फॉर्म दिख रही होगी, मतलब ये देखो ये दिखा रहा है आपको कितना चल रहा है, तो सारे शॉर्ट बाय शॉर्ट जो है ना वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है? चलो आपका ये चीज हो गई, अब जैसे मैं अगला कोई मेरे को शॉट लेना है, इसको यहां से हटाऊं, ये रखा, ये गया इसके साथ, मैं अगला शॉट लेना चाहता हूं, तो ये मेरा अगला शॉट है, साथ के साथ आ जाएगा, ठीक है ना? जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने, और कोई बहुत बड़ा कुछ वो नहीं है, और अगर जैसे दोनों के बीच का गैप होता है तो सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, क्योंकि अगर आपने दोनों के बीच में इतना सा भी गैप छोड़ दिया ना, तो यहां से रख के ये ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो ये मतलब मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ आपको किस तरीके से लास्ट में एडिट होता है, ठीक है? ये हमारी वीडियो इसके साथ चली पूरे कट के साथ, इसीलिए हम ना पहले, अब ये देखो सीन कहाँ से कहाँ चेंज हो गया वो पता भी नहीं चल रहा, हमारा डायलॉग सारा कंटिन्यूटी में इसके साथ चलेगा, ठीक है ना? इसीलिए स्टोरी बोर्ड पहले बनाया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि कितना सीन आपको कितने में रखना चाहिए, हम सीन को अलग अलग, ये देखो मैं आपको इस पर दिखा दूं, तो देखो ये मैंने कैसे अलग अलग सीन्स रखे हुए, एक रेंडर और का, 1 2 3 4 5, हम सारे अलग अलग इसको इसलिए रखते हैं कि भाई अगर एक फाइल करप्ट हो भी जाए तो हमारा सारा काम खराब ना हो जाए, तो इसलिए हम तोड़ तोड़ के रखते हैं कि भैया थोड़ा सा पार्ट अपने 10 सेकंड का, अब इसके अंदर देखो कितना सेकंड का काम है, ये कुछ 15-13 सेकंड का, ये देखो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है ना? 13 सेकंड का है, यहाँ से लेके आप यहाँ पर जाओगे तो ये तो देखो आगे का हमारा ब्लैंक है, तो इसको हम कट कर देंगे, नहीं कट नहीं करना, ये हमारी वॉक है, ये यहां तक गया, तो हम यहां से हमारी अगले की ट्रांजिशन लग जाती है, ये आया, इसको मैंने
रिड्यूस कर दिया और अगले सीन को लेकर आया अगर मैं, जहां पे हमारा कैरेक्टर मास्क पहन रहा है यार है? अब ये देखो बिल्कुल झटके से आ गया, ये झटके से आ गया। अब आपको इसमें इफेक्ट डालना है, ठीक है। यहां पे मैं इफेक्ट प्लानर में गया हूं, जो हम बेसिक यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्रॉस डिसॉल्व डाल दिया, ठीक है। ये हमारा इसके साथ चला गया। आपको मैं बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ इस तरीके से करके, ये देखो प्ले कर रहा हूं, ये गया, ये इसके साथ आ गया, ठीक है। इसमें आपको हल्का सा वो डिस्टॉर्टेड और ब्लरी थोड़ा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने क्वालिटी यहाँ पे 1/4 करी हुई है। ये हाफ क्वालिटी है, फुल क्वालिटी है। अब अगर मैं प्ले करूंगा तो आपको क्लियर दिखेगा, ये डिफरेंस हो जाता है। हम कम क्वालिटी इसलिए रखते हैं क्योंकि भाई सिस्टम पे ज्यादा लोड ना पड़े और हमें पता ही है कि हमने क्या बनाया है, तो इसलिए खामखा का पंगा हम अपनी मशीन के साथ भी नहीं लेते, ठीक है ना। तो ये चीज जब हमारी इस तरीके से पूरी लग जाती है ना, सीन बाय सीन, शॉट बाय शॉट, सारे हमारे लग जाएंगे पूरा बनने के बाद, मतलब जितनी भी हमारी पूरी तैयार हो जाएगी। अब आपको इसमें जैसे सपोज करो, अब देखो म्यूजिक वगैरह तो इसमें लगा नहीं हुआ, सिर्फ वॉइस ओवर ही तो है, यानी कि सिर्फ डायलॉग ही तो है, म्यूजिक भी तो चाहिए। तो अब आप इसके अंदर म्यूजिक डालोगे, म्यूजिक मैं यहाँ पर वो कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैंने ऑडियो वगैरह के सारे वो फोल्डर बना रखे हैं। ये देखो इसकी वेवफॉर्म देखो कितनी ज्यादा आ रही है ना, वो उसी से पता चल जाता है कि आपका म्यूजिक क्या कितना क्या है। अब आप देखो स्टार्टिंग में जहां पर ये चलाता हुआ आ रहा है साइकिल को, वहां पर देखो वेव में कोई म्यूजिक नहीं है और यहाँ पर डायलॉग आने लग जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप म्यूजिक हाई रखोगे, लेकिन जब डायलॉग आ रहे तब तो आप म्यूजिक इतना लाउड नहीं रख सकते, शोर लगने लग जाएगा कानों में। तो इसलिए आप क्या करोगे, जैसे मैंने ये पेन टूल ले लिया, यहाँ पर ये पेन टूल, मैं बहुत शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ, इजीली आपसे हो जाएगा। अदरवाइज कोई बताएगा तो आपको बताएगा, यहाँ पर जाके आप इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे, यहां पर आप जाके आपने एक जैसे ये की लगा दी, यहां से पहले हेडर आगे कर लो, ये की लगा दी ऐसे करके, और यहां से रिड्यूस कर दिया डेसिबल, -15 कर दिया। तो आप देख रहे हो यहां पर आपकी एक वो बन गई, ये देखो एक डॉट यहां पर बन गया, एक डॉट यहां पर बन गया। तो ये पहले आपकी वॉल्यूम की बार ये थी, फिर ये रिड्यूस होते होते यहां पर आ गई। तो जो काम मैंने वहां पर जाके किया भाई, थोड़ा सा टाइम टूम बचाना होता है ना, तो आप यहां पर भी कर सकते। जैसे मैंने वही मैं आपको बता रहा था, ये किया सीधा नीचे से अपने आप वो आ जाता है, इतना आगे पीछे वो बढ़ाने की या हेडर उडर को आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप नीचे ले आए। लगभग आपने फिर थोड़ा सा सुन के देख लिया, कान में पता चल गया, अच्छा हाँ भाई यहाँ पर लाउड है, यहाँ पर ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर हो जाता है। जैसे डेसिबल अभी हमने मैनुअली डाला था -15, अब ये -21 हो गया, जो भी हो गया, आप जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। अब आपको पता है देखो यहाँ पर आपका वो नहीं है, क्या नाम है, कोई म्यूजिक नहीं है, बट कुछ तो होना चाहिए ना, हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो हम हल्का सा इसको यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से ये ग्रेजुअली धीरे से स्मूथली बढ़ेगा हमारा, ऐसे नहीं, ये गैप ना हमें थोड़ा सा रखना पड़ता है, इतना बिल्कुल ऐसे रख दो झुक करके बढ़ जाएगा, कानों में वो लगेगा कि भाई अचानक से शोर आ गया। तो इसे ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ना चाहिए डायलॉग के बीच में से ओवरलैपिंग के साथ। इसको सिलेक्ट करके मामा कहाँ जा रहा है, इसको डिलीट करो, इसको सिलेक्ट करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे म्यूजिक लगा लिया, लास्ट में आपको अपनी मूवी को एंड करना है, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या करोगे, मैं या क्या नाम है मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ राइट क्लिक, न्यू आइटम, मैंने ब्लैक वीडियो ले लिया। ब्लैक वीडियो में क्या होता है, एक ब्लैक स्लाइड आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, क्रॉस डिसॉल्व मार के भी खत्म कर सकते हो। ये देखो अब ये आ गया ना, ये मैंने ब्लैक वीडियो ऊपर रख दिया, इसकी मैं ओपेसिटी के साथ छेड़ूंगा। अब इसको ये मेरी क्लिप है ना, ये मेरी क्लिप है, इसकी मैं ओपेसिटी कर देता हूँ 0, ठीक है। अब मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ धीरे धीरे, ये देखो वेरी गुड। इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने की ऑन नहीं करी थी, यहाँ पे की ऑन कर दो, ये जो घड़ी वाला आइटम बना हुआ ना इससे की ऑन कर दो, और ये मैंने कर दिया 100%। अब आप देखो कैसे बंद होती हुई लगेगी, इस तरीके से आपकी पूरी वीडियो जो है वो बंद हो गई, दिख रहा है ना, ये देखो इस तरीके से बंद हो गई, राइट। तो यहां पर अब आपका एंड में आपको टाइटल वाइटल चीजें कुछ लिखना चाहते हो भैया, डायरेक्टेड बाय चीजें बाय क्रिएटेड बाय, तो शोरील में आपकी ये सब चीजें काम आती है। तो ये आपका यहाँ पर आपने इसको बंद किया, अब पूरी मूवी है। अब इसके ऊपर ये ना अलग अलग लेयर्स चल रही है आपकी, ये देखो ब्लैक वीडियो जो रखा है ना मैंने ऊपर रखा है इसके, राइट।
अब आपको सपोज आपने कोई लोगो लगाना है इसके ऊपर, अभी तो कोई भी लोगो नहीं है ना, अब आप कोई लोगो लगा लो। सपोज करो मैंने ये कुछ भी लोगो मैंने PNG सर्च किया था आप लोगों के लिए, तो कोई भी आप PNG मिल जाए बस। ये फिलहाल मैं डेस्कटॉप ही रख देता हूँ, मैं इसके अंदर ला रहा हूँ। वेरी गुड, यही तो बात हरकतें होती है ना इनकी, PNG बोल देते बट PNG होती नहीं है। ठीक है, तो अब इतने से छोटे से काम के लिए फोटोशॉप की जरूरत पड़ जाती है। अब देखो ये हमारा आ गया, इसके अंदर मैंने खोल दिया, अब मुझे ये चीज चाहिए। बट ये तो चलो सेम कलर है तो इससे मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ नहीं रही है। अच्छा, इसको पहले भाई रेस्टराइज कर लो कंट्रोल। ये लो कंट्रोल एक्स मारा, कंट्रोल शिफ्ट वी मारा, पिछले से रोटेट करा, इसको हाइड करा, तो अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसकी मैं PNG निकाल लेता हूँ सो देट हम अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सके, यूज कर सके। ये हमारा लोगो, और नीचे वाले को डिलीट कर दो। तो देख रहे हैं अब ये हमारा एग्जैक्ट वो आ गया। अब आपको लोगो को जहां रखना है, ठीक है ना, इस तरीके से रख दो। इसको स्केल डाउन करो जितना भी रखना है अकॉर्डिंगली। ये मेरा लोगो इस तरीके से, इसका कोई और पर्पस नहीं है भाई, कोई कोई कंपनी का फुटेज है, कोई कंपनी का वो है इसका, जिसे मैं बस आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीज आपकी प्लेस आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे चाहिए कि ये लोगो आपका धीरे धीरे गायब हो जाए, तो आप उसको वापस इसमें जाओ क्रॉस डिजॉल्व करके, या लोगो धीरे धीरे आए या लोगो धीरे धीरे गायब हो जाए, वो देखो विजिबल हो गया। ठीक है, अब आप भगाना चाहते हो लोगों को, तो ये लो ये आपने भगा दिया, चला गया लोगो और ये आपकी फुटेज हो गई बंद। ठीक है ना, इस तरीके से आपका कंप्लीट ये होता है। अब आपने इसका रेंडर निकालना है, स्टार्टिंग में आई प्रेस कर दिया, लास्ट में जहां पर भी आपकी ये फुटेज खत्म हो रही है, ये यहां से आके ये खत्म हो गया ना यहाँ पे, अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो आपने ओ प्रेस कर दिया और यहाँ पे आपका धीरे धीरे म्यूजिक भी खत्म हो जाता, तो इसको भी फेड आउट कर दो। टड़ा, ये आपने म्यूजिक भी फेड आउट कर दिया। ठीक है ना, अब शॉर्ट कमांड मार दो कंट्रोल एम, तो H.264 का सेटिंग हम यूज करते हैं ये। चलो मैंने सेटिंग्स के बारे में फिर कभी बता दूंगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ना पेन पेपर लिखने वाली बात, लिख के करने वाली बात हो जाएगी कि किस सेटिंग पे क्या चीज होनी चाहिए, क्या रेजोल्यूशन किस पे निकलेगा। बट हाँ, H.264 के फॉर्मेट में आप निकाल, जो हमारा ओरिजिनल होता है ना वहीं पर आ जाता है। ये देखो 1920x1080, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, करना मत, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल वो है ना उसको ओरिजिनल ही रहने दो। क्लिक किया, वापस उस पर आ गए और यहां से जाके आपने एक्सपोर्ट कर दिया। आप एक्सपोर्ट करोगे, ये अपना कैलकुलेट करेगा जितना भी टाइम लगेगा, फाइल हल्की है ना इसलिए जल्दी हो गया। दा, 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 ये हमारा चला, लोगो भी आना चाहिए भाई हमारा गोरा, वो देखो ये हमारा लोगो आ गया, और ये जो हमने ट्रांजिशन बीच में डाली थी वो आ गई। ये देखो ये हमारी ट्रांजिशन भी आ गई, वो हमारा लोगो आ गया, और लास्ट में हमारा वीडियो यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है ना, मोटा मोटा इतने काम करा ना हमने, तो वो सारा का सारा हमारा आ गया। तो इस तरीके से आपको बेसिकली पूरा आइडिया लग गया कि स्टार्ट कहाँ से होता है। प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखना जहाँ पे स्टोरी बोर्ड से स्टार्ट किया था, करेक्टर बनाया थे, हेड टर्न बनाया था, बॉडी टर्न बनाया था, पूरी की पूरी एनिमेशन बनाई थी, उसके बाद फिर आपका फाइनल कंपोजिट, फाइनल पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिखाया था, और उसके बाद ये एडिटिंग वाला 5-6 वीडियो जो है, इसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा पूरा 2D एनिमेशन का किस तरीके से होती है, क्या होती है। हाँ, इतनी डिटेल में नहीं बताया शायद मैंने कि हाँ भी आपको एक एक ऑप्शन बताऊं सिखाऊं, कि हाँ भी वो एक अलग तरीके का वीडियो बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर ना छोटी सी चीज समझाने में भी एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपको ओवरऑल एक आइडिया और ग्लिम्स देने के लिए कि हाँ भी आपका एडिट प्रोसेस वगैरह किस तरीके से होगा, तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा आप खत्म कर सकते हो। तो होपफुली ये वाला वीडियो भी आपको समझ में आया होगा और सही लगा होगा। अगर सही लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे जुड़े रहने के लिए इस तरीके के ही वीडियोस देखने के लिए। और भाई अगर कुछ पूछना करना हो तो आप लोग कमेंट वगैरह में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय।